दुनिया में आज देखिए, जंग से जर्जर यमन में लाखों जिंदगियां खतरे में। यमन में 3 साल से जारी है हूती विद्रोहियों और यमनी सेना के बीच लड़ाई। एक को ईरान की शह, दूसरे को सऊदी अरब का समर्थन। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। यमन से बीबीसी की स्पेशल रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति ट्रंप की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। 1 साल के भीतर व्हाइट हाउस को विदा कहने वाली चौथी अधिकारी। बेजुबान होती जा रही पाकिस्तान की भाषा बदेशी, सिर्फ 3 लोग बोल पाते हैं ये भाषा। और ब्रिटेन में टैटू को लेकर एशियाई लोगों की सोच बदलवाने की कोशिश कर रही है एक टैटू आर्टिस्ट। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है बीबीसी दुनिया में। और आज शुरुआत यमन से, जो सऊदी अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। पिछले 3 सालों से भारी जारी जंग ने इसकी कमर तोड़ कर रख दी है। वहां राजधानी सना समेत देश के अधिकतर हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें ईरान समर्थन देता है। उनसे लड़ रहे हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति सालेह के वफादार सैनिक, और उन्हें सऊदी अरब मदद दे रहा है। और इन दोनों के बीच में फंसे हैं यमन के आम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने उनकी स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा है कि वहां 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सहायता और सुरक्षा चाहिए। यमन में लोगों को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, और अब अकाल भी का खतरा भी मंडराने लगा है। बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट सऊदी अरब और यमन की सेना के साथ लड़ाई के मोर्चे पर गई, वहीं से देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। यमन के समुद्री तट के ऊपर का ये नजारा। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने यहाँ ऊपर आकाश और नीचे समंदर पर कब्जा कर रखा है। यहाँ से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है, साथ ही यहाँ से स्मगलर अवैध सामान की तस्करी भी करते हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि यहीं से ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करता है। हमने सऊदी अरब के वॉरशिप HMS मक्का में लैंड किया। ये हुदैदा पोर्ट जाने वाले जहाजों पर नजर रख रहा है। यमन का ये बड़ा बंदरगाह हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है, इसलिए सऊदी अरब इन संदिग्ध जहाजों की निगरानी कर रहा है। कैप्टन मुशर्रफ अल शर्मानी का ये फ्रंट लड़ाई के लिए बेहद अहम है। उनका कहना है कि यात्री जहाजों तक को वो शक की निगाहों से देखते हैं। यहाँ घेराबंदी की वजह से यमन में लड़ाई में फंसे लोगों तक जरूरी दवाइयाँ और खाना नहीं पहुँच पा रहा है। हाल ही में इस घेराबंदी को हटाया गया है, लेकिन लड़ाई जारी है। मैदान में यमन की सेना और कुछ स्थानीय लोग हूती विद्रोहियों के खिलाफ मैदान में हैं। मुश्किल रास्तों में दुश्मन के इलाके में धीरे धीरे राजधानी सना के रास्ते का सफर जारी है। हर रास्ता यहां सना की ओर जाता है। यमन की सेना और सहयोगियों का लक्ष्य है सना को घेरकर हूतियों को हथियार डालने के लिए मजबूर कर देना। लेकिन हूती भी कमजोर नहीं है। ईरान से दोस्ती की वजह से उनके पास लड़ाई की ट्रेनिंग भी है और भरपूर हथियार भी। उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच सऊदी अरब के अंदर तक है, साथ ही उनके पास घातक हथियार भी हैं। यहाँ कई पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला जा चुका है। सरकार के कब्जे वाले इस इलाके में हम 27 साल के अनस से मिले। उनका अपराध था सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बोलना। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें उल्टा लटकाकर तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो चलने की हालत तक में नहीं थे। राजधानी सना में सऊदी सेनाओं के हवाई हमले का असर देखिए, पूरा इलाका ही तबाह हो गया है। बेहद आधुनिक हथियारों से लैस सऊदी सेना के जवान दुश्मनों के इलाके में तेजी से बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब का दावा है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आम लोग मारे जा रहे हैं।
गठबंधन सेना की बमबारी में इस परिवार ने अपना घर खो दिया। अब वो यहाँ आसरा लिए हुए हैं। साबिता साला कहती हैं, हमें मदद चाहिए। कल मेरे 3 बच्चों ने खाना नहीं खाया। मैं बीमार हूँ, ना ठीक से जिंदा हूँ, ना ही मौत आती है। लड़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसने लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ ये लोग अपना नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब जगत का सबसे गरीब देश प्रभुत्व की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। सऊदी अरब और ईरान जानते हैं, वो आग से खेल रहे हैं। और यमन में लगी एक ऐसी आग है जिसमें वहां की कई जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और बात अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में गिनी जाने वाली एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। होप हिक्स 1 साल के भीतर व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली 4th अधिकारी हैं। समझा जाता है कि उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया है कि वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जितना हासिल कर सकती थी उतना कर लिया है। उनके इस्तीफे को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि होप हिक्स के जाने से आए खालीपन को कोई भर नहीं सकता है। मैं अब तक जिन प्रतिभाशाली और योग्य लोगों से मिली हूँ वो इनमें से एक हैं और ये दफ्तर उनके बिना अलग लगेगा। होप हिक्स ने पिछले साल अगस्त में व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर की कुर्सी संभाली थी जब पिछले डायरेक्टर एंथनी स्कारामोची को अचानक बर्खास्त कर दिया गया था। स्कारामोची राष्ट्रपति ट्रंप को बरसों से जानते थे मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें सिर्फ 10 दिन में ये कहते हुए हटा दिया कि उनके कुछ बयान सही नहीं थे। ट्रंप के 13 महीने के कार्यकाल में बर्खास्त हुए या इस्तीफा देने वालों की लिस्ट लंबी है और इनमें से कुछ बड़े नाम भी हैं। एंड्रयू मैकाबे, जिन्होंने FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप डेमोक्रेट लोगों से संबंध रखने के लिए लगातार इनकी आलोचना कर रहे थे और ऐसे ही उनके स्वास्थ्य मंत्री टॉम प्राइस, जिन्होंने भी इस्तीफा दिया और उनके बारे में रिपोर्ट आई थी कि सिर्फ 4 महीने पहले ही उन्होंने 10 हवाई यात्राओं में $10,00,000 खर्च कर दिए थे। और फिर ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने सिर्फ 23 दिनों में इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था और वो रूसी राजदूत से मुलाकात की वजह से विवादों में आ गए थे। व्हाइट हाउस से बाहर जाने वाले की लिस्ट में एक और भी नाम है मगर फिलहाल डालते हैं निगाह व्हाइट हाउस में हुई सबसे नई विदाई पर। होप हिक्स न केवल राष्ट्रपति ट्रंप की कम्युनिकेशन डायरेक्टर थी बल्कि वो उनके सबसे करीबी सहयोगियों और सलाहकारों में भी एक थी मगर अब वो उन दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की जमात में शामिल हो गई हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस को विदा कह दिया है। राष्ट्रपति ने एक बयान में उनकी काफी तारीफ की है और कहा है कि मैं आपकी कमी महसूस करूंगा मगर जब उन्होंने कहा कि वो कुछ और करना चाहती हैं तो मैं इसे समझ सका। मुझे यकीन है कि हम आगे फिर साथ काम करेंगे। इससे पहले इसी हफ्ते 29 साल की इस पूर्व मॉडल ने एक संसदीय समिति के सामने गवाही दी जो 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों की जाँच कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ मौकों पर राष्ट्रपति के लिए झूठ बोला मगर चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप की टीम और एक रूसी वकील की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर जवाब देने से मना कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि उनके इस्तीफे का उनकी गवाही से कोई ताल्लुक नहीं है मगर इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का एक अहम पद फिर खाली हो गया है। होप हिक्स राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में 4th कम्युनिकेशंस डायरेक्टर थीं और अभी उन्हें व्हाइट हाउस में आए मात्र 13 महीने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज आगे BBC ग्लोबल राउंड अप में देखिएगा, अमेरिका में वॉलमार्ट ने बंदूकों की बिक्री की सख्त और बर्फ में लिपटा ब्रिटेन। और भारत सरकार ने मौजूदा विकास की दर से संतुष्टि जताई है पर कीर्तिश इसे किस तरह से देख रहे हैं कार्टून के जरिए, देखिए आज का कार्टून। और BBC दुनिया में आगे है पाकिस्तान की भाषा जिसे अब सिर्फ 3 लोग ही बोल पाते हैं। तो ये सब है आगे BBC दुनिया में। स्वागत है आपका एक बार फिर BBC दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह।
क्या आप ऐसी भाषा सीखना चाहेंगे जिसे केवल 3 लोग बोलते हैं? ये भाषा है बदेशी, जो पाकिस्तान के स्वात इलाके में बोली जाती है। और एक समय स्वात के पहाड़ों में बदेशी एक आम भाषा थी, मगर इसे बोलने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती गई और अब वहाँ बदेशी बोलने वाले केवल ये 3 लोग ही बच गए हैं। भाषाओं से जुड़ी एक संस्था ने बदेशी को विलुप्त भाषाओं की श्रेणी में डाल दिया है। बदेशी भाषा बोलने वाले अब केवल यही लोग बचे हैं। ये उत्तरी पाकिस्तान की इन सुदूर घाटियों में रहते हैं। ये भाषा कुछ ऐसी सुनाई देती है। युवाओं को ये भाषा सीखने में दिलचस्पी नहीं है, वे दूसरी भाषाएं बोलना पसंद करते हैं। इन लोगों का मानना है कि इनके बाद ये भाषा भी मर जाएगी। तो आखिरी दम तक भाषा बचाने की कोशिश, और एक कोशिश ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की एक लड़की भी कर रही है, एक अलग तरह की कलाकारी की कोशिश जिसमें भारतीय परंपरागत कला और आधुनिकता का मेल कर वो अपने लिए नया मुकाम और नई पहचान तलाश रही है और साथ ही भारतीय समाज के परंपरागत नियमों को चुनौती भी दे रही है। मेरा नाम हेलेना मिस्त्री है, मैं 21 साल की हूँ, मैं लेस्टर में काम करती हूँ और शौक के तौर पर टैटू बनाती हूँ। हेलेना ब्रिटेन में चंद एशियाई टैटू आर्टिस्ट्स में से एक हैं और उनसे टैटू बनवाने ज्यादातर एशियाई मूल की लड़कियां आती हैं। मैं एक गुजराती परिवार में जन्मी जहां दीवारों पर कलाकृतियां बनी रहती थीं। तब मैंने सोचा कि जो बचपन से देखा उसे भारत से बाहर टैटू इंडस्ट्री में इस्तेमाल करूं। हेलेना कहती है कि भारत में टैटू बनाने की परंपरा पहले से ही रही है। मैं जब छोटी थी तो समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है। मैं बुजुर्ग महिलाओं को देखकर आकर्षित होती थी जिनके शरीर पर ढेर सारे टैटू होते थे या फिर इस तरह के बूंदे बने होते थे जो मैंने भी बनवा लिया। इससे ये भी पता चलता है कि किस माहौल में मैं पली बढ़ी और मुझे ये कितने खूबसूरत लगते हैं। हेलेना मानती है कि टैटू को भारतीय संस्कृति में सही नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि तुम्हें पति कैसे मिलेगा, तुम्हारे सास ससुर क्या कहेंगे, कौन चाहेगा कि उसकी बहू के शरीर पर टैटू हो। पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसा ही मानते हैं। हेलेना का विरोध सोशल मीडिया पर भी हुआ जहां वो अपने काम का प्रचार करती रही हैं। जब मैं भारतीय कलाकृतियां किसी गैर एशियाई के शरीर पर बनाती हूं तो काफी विवाद होता है। दरअसल ये संस्कृतियों से जुड़ी बात होती है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अपने शरीर पर क्या बनवाएं और क्या ना बनवाएं। पर इन विवादों से परे हेलेना भविष्य की तैयारी में लगी हैं। मैं लंदन में कहीं काम करना चाहती हूं, अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहती हूं, नाम कमाना चाहती हूं और एशिया की नुमाइंदगी करना चाहती हूं, बंधे बंधाए दायरों को तोड़ना चाहती हूं और ये बताना चाहती हूं कि सिर्फ डॉक्टर या वकील बनना ही नहीं, कुछ हटके करना भी अच्छा होता है। मैं मानती हूं कि अगर आपने कुछ नियम कायदों को नहीं माना है तो इससे आपके माता पिता का अनादर नहीं होता, इससे आपके परिवार को शर्मिंदगी नहीं होती। एक अलग सी कोशिश, अलग सी राह बनाने की। और आगे है ब्रिटेन में बर्फीले तूफान की चेतावनी और बर्फ में लिपटा लंदन। और वॉलमार्ट में बंदूक खरीदने के नियम हुए कड़े। और ये भी बताएंगे कहां मिले टैटू वाले मम्मी। तो जल्द हाजिर होते हैं ग्लोबल राउंडअप के साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह और अब देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंडअप और पहली खबर अमेरिका से। हाल ही में हुए फ्लोरिडा के एक स्कूल में गोलीबारी के बाद अमेरिका में बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने बंदूकों की बिक्री पर अपने नियम खड़े करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के लोग वॉलमार्ट से हथियार और गोला बारूद नहीं खरीद पाएंगे। बंदूक रखने के नियमों को बदलने के लिए काफी समय से मांग उठ रही है। रेड क्रॉस ने कहा है कि उसने उत्तरी सीरिया में कुर्दों के कब्जे वाले आफरीन इलाके में सहायता सामग्री भेजी है। इस इलाके में तुर्की ने सैन्य अभियान छेड़ा हुआ है जो कुर्द लड़ाकों को चरमपंथी मानता है। वहां 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी हार्बर ब्रिज पर शादी करने वाला यह पहला समलैंगिक जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता दी गई थी, जिसके बाद कई समलैंगिक जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ करना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बात कही। वहां इसी महीने राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसमें उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। Russia is one of the leading powers with... अति आधुनिक हथियारों से लैस रूस दुनिया की एक बड़ी ताकत है, लेकिन जीवन जीने के स्तर में अभी तक हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जो हम पाना चाहते हैं। हमें उस स्तर को हासिल करना चाहिए और हम हासिल करेंगे। But we should do this and we will do this. और इसके अलावा खबरों में है 5000 साल पुरानी इस ममी का ये टैटू। मिस्र में पाए गए 5000 साल पुराने इन दो ममियों पर टैटू के निशानों का पता चला है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये दुनिया के सबसे पुराने टैटू हैं। पुरुष ममी के बाहों पर जंगली सांड और भेड़ बना है, वहीं महिला ममी के कंधे पर एस के आकार वाले निशान बने हैं। सुबह के वक्त सड़क पर आराम से चहलकदमी करते हुए इन हिरणों की तस्वीरें स्कॉटलैंड से हैं, जहां तूफान एमा ने कहर बरपा रखा है। वहां कुछ इलाकों में रेड स्नो वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसका मतलब होता है ऐसे मौसम में जान का खतरा हो सकता है। और ये तस्वीरें ब्रिटेन की राजधानी लंदन की हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे बर्फ ने लंदन को ढक लिया है। रूस से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लिया है। और अब इसी से जुड़ी हुई खबर बीबीसी के सोशल मीडिया से भी है। बीबीसी मिडलैंड्स टुडे ने ट्वीट किया है कि ब्रिटेन में सबसे ऊंचे गांव का नजारा ठंड की वजह से साइबेरिया जैसा हो गया है। बीबीसी संवाददाता स्टीन रोजनबर्ग ने ट्वीट किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सालाना रिपोर्ट संसद में पेश की है। ये एक राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश के बजाय चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा था। 17 दिनों में फिर से चुनाव के लिए पुतिन तैयार हैं। आप मुझे भी ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी।